मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के थाना बड़नगर के अंतर्गत गांव बीरिया खेड़ी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत महोत्सव मनाया गया। आज शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर बीरिया खेड़ी में निःशुल्क राशन वितरण किया गया। गांव के सरपंच बद्रीलाल काग ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनने के बाद मैं सरपंच होने के नाते कहना चाहूँगा कि गाँव के विकास में इतनी ऊर्जा ही है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान नेतृत्व में मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और जनप्रतिनिधि बनने का मौका दिया। मुझे भी काम करने में बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छे नीति से काम हुए। आप सब लोग जानते हैं और कुछ काम बच्चे भी हैं, शासन की बहुत अच्छी योजना है, आने वाले समय में सारे निपुण होंगे। मीडिया द्वारा भाजपा जिला मंत्री से पूछा गया कि महंगाई के बारे में भाजपा जिला मंत्री ने क्या बताया। सरकार का राजस्व कम हुआ है, लेकिन सरकार अगर कोई चीज़ देती है तो वह कहीं से राजस्व आएगा, तभी वह लोगों के लिए कुछ कर पाएगी। सरकार का राजस्व बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। कांग्रेस सरकार को समझना चाहिए कि 70 सालों में वह उज्जैन जिला और बड़नगर तहसील में ऐसा पूरे देश भर में नहीं कर पाई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल में प्रधानमंत्री जी की सरकार कर रही है, ऑक्सीजन प्लांट नए नए खड़े कर रही है। देखिए बीरिया खेड़ी से अर्जुन गहलोत की यह रिपोर्ट। सभी चीजों का कम हुआ है, सरकार का राजस्व कम हुआ है। देखिए सरकार अगर कोई चीज देती है तो वो कहीं से राजस्व आएगा, तभी वो लोगों के लिए कुछ कर पाएगी। सरकार का राजस्व बहुत ज्यादा कम हो चुका है, ये तो कांग्रेस सरकार को समझना चाहिए कि 70 सालों में वो उज्जैन जिला और बड़नगर तहसील में ऐसा पूरे देश भर की तहसीलों में ऑक्सीजन प्लांट तक नहीं लगा पाई, और ये काम अब जाकर के पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी की सरकार कर रही है। नए नए एम्स खड़े कर रही है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मेडिकल का खड़ा कर रही तो वो पैसा कहाँ से आएगा? और वो पैसा जब कारोबार रोजगार चलेंगे ही नहीं तो आएगा नहीं, तो महंगाई तो आज खाली भारत देश में नहीं है, पूरी दुनिया में बढ़ी है, और ये क्षणिक है, ये कुछ समय के लिए बढ़ी है। 2014 से लेकर के 2018 और 19 तक महंगाई जो जो मुद्रा स्फीति थी उसकी दर 6.9% मनमोहन सिंह जी छोड़ करके गए थे महंगाई का, और प्रधानमंत्री जी ने उसको कंट्रोल करके 4.2 पर लेकर के आ गए थे। तब क्या कांग्रेस की सरकार ने कहा कि महंगाई कम हुई है? सर अभी एक बात और पूछना चाहिए आपसे कि हमें जो गरीब लोगों के लिए जो आवास की योजना बात हुई थी, तो हमने विधायक से पूछा कि भाई आपके होते हुए यहाँ पे जो तो आवास योजना क्यों नहीं आ रही तहसील के अंदर, तो उन्होंने ये कहा कि जब से जहाँ जहाँ हमारी सरकार बैठी है वहाँ पे हमारे साथ में पक्षपात किया जा रहा है, और इसी कारण ही गाँव के लोगों को जो आवास योजना नहीं मिल पा रही है, अन्य शहरों में सर सभी दूर मिल रही है। ये उनकी बहुत संकुचित मानसिकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए काम करती है, किसी कांग्रेस के लोगों के कारण लोगों का हक छीन ले ऐसा भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में नहीं है। हमारी तो ये आज कई राज्यों में सरकार है, अटल जी के समय पे इतने राज्यों में सरकार नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, परंतु किसान क्रेडिट कार्ड की योजना का लाभ पूरे देश भर के किसानों को मिला। क्या उन्होंने ऐसा किया कि अगर किसी प्रदेश में जब अटल जी की सरकार थी तब मेरे ध्यान में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, क्या उस समय किसान क्रेडिट कार्ड की योजना का लाभ मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं मिला? फिलहाल अभी आवास के बारे में ऐसा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आवास योजना के मेरे ख्याल से इस पंचायत से भी बहुत सारे लोगों के जो बचे हुए होंगे उनके नाम अभी बने, लेकिन अभी मान लो बड़नगर तहसील में आए लेकिन गांव में क्यों नहीं आए, तो उनका ये कहना है आप जैसे अगर बड़नगर तहसील में आ रहे हैं तो बड़नगर तहसील तो का विधायक तो अभी कांग्रेस का है, तो फिर तो बड़नगर में भी नहीं आना चाहिए। वही बता रहे की जहाँ जहाँ हमारी कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है। देखिए बड़नगर विधायक जी को इतनी समझ ही नहीं है कि चीजें कैसे चलती है, क्योंकि इसके लिए बहुत स्टडी करना पड़ती है। जहां तक प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, अभी नया स्लॉट फिर से अप्रूवल हो चुका है, पैसा डलना थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि अभी भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी चरमराई हुई है, ये काम भी रुकेगा नहीं, पटरी पे चीजें आ चुकी है, और बहुत जल्दी जिन जिन गांवों में और जिन जिन पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास का पैसा अभी नहीं डला है, अप्रूवल हो चुका है, पैसा डलना बाकी है, वो भी जल्दी ही डलने लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति को देख करके काम नहीं करती है, वो ये मानती है कि भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति हमारा अपना है, सरकार से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों के लिए काम करते हैं। तू और मैं एक ही रक्त,
इस भाव से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, इसलिए उन्होंने जो बात कही वो निराधार है। जी सर, आपका शुभ नाम? राजपाल सिंह राठौर। थैंक यू सर।